शीतकालीन सत्र में विपक्ष और सरकार के बीच गतिरोध आखिरकार कब थमेगा, ये सवाल हर किसी के जहन में है। पैदल मार्च में समाजवादी पार्टी भी शामिल हुई, जिसमें सांसद एसटी हसन ने कहा कि हम सिर्फ अपनी आवाज उठा रहे हैं लेकिन केंद्र सरकार इसे भी दबाना चाहती है। जिनसे बात की हमारी दिल्ली संवाददाता ज्योति सिंह ने। मौजूद है यूपी से सांसद एसटी हसन जी। सर, शीतकालीन सत्र में सिर्फ दो दिन अब रह गए हैं, लेकिन अगर हम केंद्र सरकार की बात करें तो बोलते विपक्ष सिवाय हंगामे के कुछ नहीं कर रहा। जिम्मेदारी किसकी है संसद को चलाने की? क्या इतना बड़ा मुद्दा है कि ट्रेनी का बर्खास्त की करना? एक आदमी जो साबित हो गया एसआईटी रिपोर्ट से कि ये प्री प्लान था, उसने कुचल दिया किसानों को, कीड़े मकोड़ा समझ रहे हैं ये इंसान को। उसके बाद उनके अंडर में सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, सीबीआई से लेके एसआईटी से लेके तमाम पुलिस डिपार्टमेंट इन्हीं के अंडर में, तो क्या निष्पक्ष जांच हो जाएगी? इसीलिए हमारी सबकी विपक्ष की यही मांग है कि ट्रेनी का इस्तीफा हो और यहाँ पे प्रजातंत्र बहाल हो। पहले 12 निलंबन जो सांसदों का निलंबन हुआ उस पर गतिरोध, और उसके बाद अब ये अजय मिश्रा टैनी पर गतिरोध, आखिर ये गतिरोध कब तक चलता रहेगा? वो निलंबन कानूनी तौर से सही नहीं था, इसलिए उस पर गतिरोध हुआ और चल रहा है। उन्होंने बराबर धरना दिया और टेनी का मसला आपने देख ही लिया। इस वक्त देश में हो क्या रहा है आपको तो पता है। टेनी के अलावा महंगाई की भी तो देखो, हम महंगाई पे अभी तो आए हैं। 200 रुपये का सरसों का तेल गरीब आदमी ले रहा है, पेट्रोल डीजल कहाँ पहुँचा दिया आपने, 35 रुपये बढ़ा दिए और 12 कम कर लिए, बड़े भारी एहसान कर दिया। तो आप तो देख ही रही हैं कि देश के हालात क्या हैं, पूरी डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, प्रजातंत्र खत्म हो गया। एक आखिरी सवाल, चुनाव सुधार कानून को लेकर आखिरी सवाल, आप क्या देखते हैं इस चुनाव सुधार कानून? चुनाव सुधार में देखिए 10% लोगों के अभी आधार कार्ड नहीं बने, और जिनके बहुत से बन गए जो बेचारे झोपड़ पट्टी में रहते हैं, गरीब हैं, या जो बहुत लापरवाह खो जाते हैं, तो क्या वो वोट नहीं डालेंगे? उनके वोट कैसे डलेगा? इसलिए हम इस बात के खिलाफ हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद से बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए थे यूपी से सांसद एसटी हसन, वीडियो जर्नलिस्ट भारत कुमार के साथ ज्योति सिंह, A1 TV न्यूज़ दिल्ली।